दोस्तों इससे कहा जाता है कि जिसके पास ज्यादा ताकत होती है जीत भी उसी की होती है। लेकिन दोस्तों हर बार एक जैसा नहीं होता। कुछ जानवर ऐसे जानवरों से पंगा ले बैठते हैं जिन्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। ऐसे में दोस्तों उन्हें हार के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होता। आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो गलत दुश्मन से पंगा तो ले लेते हैं जिसके बाद दोस्तों उन्हें मुंह की खानी पड़ जाती है। गलत दुश्मन से पंगा लेने और फिर तुरंत पछताने की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी किए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कैसे एक कुत्ता एक इलेक्ट्रिक ईल को जमीन के ऊपर देखकर उसे अपनी भोजन बनाने के बारे में सोचता है और जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल को मुंह से चबाने की कोशिश करता है तभी दोस्तों इलेक्ट्रिक ईल कुत्ते को जोरदार करंट दे मारता है, जिसके बाद तो भैया कुत्ते की अकल ठिकाने पर आती है और वो भागते हुए सीधा घर की ओर निकल देता है। दोस्तों हम बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल पानी पर रहने वाली ईल की एक ऐसी प्रजाति है जो 500 से 600 वोल्ट तक की करंट पैदा कर सकती है, जिसके जरिए दोस्तों इलेक्ट्रिक ईल पानी पर रहने वाली खतरनाक मगरमच्छ को भी मात दे देती है। इस वीडियो में दोस्तों एक भालू झाड़ियों के पास आराम से टहल रहा होता है तभी दोस्तों एक टाइगर की नजर भालू पर पड़ जाती है और फिर वो उसे अपने शिकार बनाने के बारे में सोचता है और बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे करके भालू की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी टाइगर को अपनी ओर आते देख भालू भी टाइगर पर हमला बोल देता है और टाइगर को दौड़ाते हुए दूर खदेड़ देता है। यहाँ पर दोस्तों भालू अकेला होता है और टाइगर दो, फिर भी भालू के गुस्से को देखते हुए टाइगर भालू पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और वो यहाँ से दूर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कुत्ते को कंगारू से पंगा लेने को ज्यादा ही भारी पड़ जाता है। पता यूँ है कि यहाँ पर दो कुत्ते मिलकर एक कंगारू पर हमला बोल देते हैं, जिसे बचने के लिए कंगारू पासी में मौजूद पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी कुत्ते उसका पीछा नहीं छोड़ते और पानी के अंदर भी हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस बार एक कुत्ता कंगारू पर हमला करने के लिए सामने जाता है तभी दोस्तों कंगारू कुत्ते को पकड़ लेता है और पकड़कर पानी में डुबाने लगता है, जिसके बाद तो दोस्तों कुत्ते की सारी हवाबाजी निकल जाती है और वो सीधा उठकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है और कुछ इसी प्रकार दोस्तों आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक भालू एक घर की ओर बड़े आराम से चला आ रहा था, सोच रहा था कुछ खाने को मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। तभी दोस्तों एक बिल्ली खूंखार भालू को अपने घर की ओर आते देख उससे डरता नहीं बल्कि उसी पर हमला बोल देता है और भालू को दौड़ाते हुए वहाँ से भगा देता है। भालू भी दोस्तों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। दोस्तों रेन सिंह के पास बहुत ही मजबूत और खतरनाक सिंह होते हैं। ये अपने गुस्से और ताकतवर सिंह के बदौलत अपने से कई गुना बड़े जानवर से भी टक्कर ले लेते हैं। भले ही दोस्तों ये दिखने में छोटे आकार के हों, लेकिन ये अपने मजबूत सिंह के दम पर अपने से बड़ा जानवर को भी बराबरी का टक्कर दे देते हैं। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो में भी देखा गया जहाँ पर एक गाय रेन सिंह को छोटा देख कर उसे भिड़ने चली जाती है, सोचती है कि इसे तो मैं एक ही टक्कर में हरा दूंगी। और जैसे ही दोनों की भिड़ंत होती है देखिए उसके बाद क्या होता है। दोस्तों इसे देखा जाता है कि शिकार करने के मामले में शेर के मुकाबले शेरनियां ज्यादा शिकार करती हैं। शेर तो भैया जंगल का राजा होता है, जिस वजह से वो तभी शिकार पर निकलता है जब शिकार शेरनियों पर भारी पड़ रहा हो या फिर शिकार काफी बड़ा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक भारी भरकम भैंस को दो शेरनियां मिलकर अपना शिकार बनाने की फिराक में होती है, जिस पर वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भैंस का किस्मत बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से वहाँ पर एक भैंसों का झुंड आ पहुँचता है और आते ही शेरनियों पर हमला कर देते हैं। ऐसे में इतने सारे भैंसों के आगे शेरनियां कहाँ टिक पाती, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।